दोस्तों, पेट में जलन होना, पेट में गैस बनना एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन दोस्तों, यह समस्या जब होती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ करती है। तो सामान्यतः क्या होता है दोस्तों, इस समस्या को ठीक करने के लिए हम गैस की टैबलेट ले लेते हैं, गैस की कैप्सूल ले लेते हैं, उससे अच्छा फ़ायदा हो जाता है, या फिर कोई एंटासिड ले लेते हैं। तो इन मेडिसिन को लेने के बाद भी यदि कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है या फिर तकलीफ़ें कम नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में पीने के लिए एक दवा है। यह दवा ऐसी है, 2 चम्मच इस दवा को ले लिया जाए तो 5 मिनट में ही वह दवा असर बता देगी और आपकी यह समस्या ठीक हो जाएगी। वह दवा कौन सी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, मेडिसिन के बारे में जानेंगे और सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कि क्या नाम से उसको आप मेडिकल स्टोर में ख़रीद सकते हो, और किन किन समस्याओं में उस सिरप का प्रयोग लिया जाता है, किस तरह से इसको लेना होता है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस दवा के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सी एन गजबीये स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सी एन गजबीये में। इस वीडियो में हम जिस पीने की दवा के बारे में बात कर रहे हैं, यह 3 अलग अलग दवाओं का कंपोजिशन है, जिसमें मेगाल रेड, साइमेथिकोन तथा ऑक्सेटाकेन, यह 3 दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। इसमें जो मेगाल रेड है, यह एक एंटासिड प्रिपरेशन जो हमारी पेट में बनी हुई एक्स्ट्रा एसिड को कम करने का कार्य करता है, उसको न्यूट्रलाइज करती है। जो साइमेथिकोन है, यह एंटी फ्लोटिंग एजेंट है जो पेट में बनी हुई गैस के बबल्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही जो आंतरिक प्रेशर पड़ रहा है पेट में, फुला हुआ पेट हो गया है, उसको कम करता है और नई गैस बनने तथा उसको इकट्ठा होने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ऑक्सेटाकेन है, यह एक एनास्थेटिक प्रिपरेशन है, पेट में जो अल्सर हो गए हैं, पेट में जो इंजरी हो गई है, उसको शून्य कर देती है, जिससे उसमें दर्द नहीं होता है और जब तक इसका ट्रीटमेंट होता है किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देता है। इस तरह से तीनों दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, अगर जाने यह पीने की दवा किस नाम से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इसमें कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मेडिकल में मिल जाएंगे, जिसमें एलजेल ए सिरप है, रेनीडोम एमपीएस सिरप है, रेंटेक एमपीएस सिरप है। तो मेडिकल स्टोर में आपको ये ब्रांड मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी मेडिकल स्टोर में आपके एरिया में अलग ब्रांड आपको मिल सकता है, आपको सिर्फ ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। मतलब दोस्तों, जो भी ब्रांड आपको मिले, कंपोजिशन जो है सेम होना चाहिए। यह सिरप जो है दोस्तों, शुगर फ्री फॉर्म में भी आती है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी सिरप आती है जो कि शुगर फ्री होती है। यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो मुख्य रूप से गैस, पेट में गैस बनने पर, एसिडिटी बनने पर, पेट में जलन होने पर, आहार नाल में जलन होने पर इसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया हो, पेट में इंटरनल इंजरी किसी कारण से हो गई हो, उसे ठीक करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा फुलाव आ गया है, फूल गया है पेट, पेट जो है गुब्बारे जैसा हो गया है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो उसे दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी व्यक्ति को ज़्यादा फूड खाने के कारण, किसी व्यक्ति को ज़्यादा स्पाइसी खाने के कारण, या फिर अल्कोहल से ज़्यादा कंजप्शन, या फिर कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा कंजप्शन कर लेने के कारण आहार नाल में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, साथ ही खाया हुआ खाना वापस से आहार नाल में आ रहा है, खट्टी डकारे उसको आ रही है, इस तरह से किसी प्रकार की समस्या उसको होती है, तो यह दवा डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। और इस दवा को 2 चम्मच लेने के बाद इंस्टेंटली यह अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। मतलब कि दोस्तों, इमीजिएटली इस दवा को 2 चम्मच लिया जाता है तो इमीजिएटली यह अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देती है। और इसके अलावा पेट से जुड़ी कोई समस्या है, गैस की समस्या है, तो डॉक्टरों के द्वारा यह दवा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको इस दवा को लेने से पहले आपको एक बात ध्यान कर रखना है दोस्तों, कि यदि किसी व्यक्ति को ऑक्सलेट जो है उससे यदि कोई प्रॉब्लम है, एलर्जी है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, या फिर 10 साल से नीचे जो बच्चा है, तो बगैर डॉक्टर की सलाह के इस दवा को नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर की सलाह लेने पर ही आपको इस दवा को लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस दवा को किस प्रकार से लेना है, इसके डोज की बात करें कि कितने डोज में इसको लेना है, कितनी मात्रा में इस दवा को लेना है। यदि कोई अडल्ट है दोस्तों, उसको ज़्यादा समस्या नहीं है, तो उसे 10 ml उसको SOS मतलब दिन में लेने की सलाह दी जाती है, उसको जब आवश्यकता हो तब वो ले सकता है,
यदि दोस्तों किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 10 ml इसको BD या फिर TDS दिया जाता है, मतलब कि 10 ml इसको दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है या फिर दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसे 5 दिन या फिर 7 दिन भी दे सकते हैं। साथ ही सपोर्टरी मेडिसिन के रूप में रेनिटिडिन, पेंटाप्रोजोल, रेप्रोजोल टैबलेट, कोई और भी दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही डोमपेरिडोम भी दिया जा सकता है, जिससे कि उल्टी जी मचलाना, उपकाई, एसिडिटी जैसी समस्या नहीं होती है। लेकिन मुख्य रूप से यह दवा लेने की सलाह दी जाती है जिससे कि पेट जल्दी से साफ हो जाए। एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इस दवा को खाना खाने से पहले लिया जाता है या फिर खाना खाने के बाद लिया जाता है, तो इस दवा को लेने में कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस दवा को आप दोस्तों कभी भी ले सकते हैं। कभी भी का मतलब है दोस्तों, जब आपको इस प्रकार की समस्या हो रही है तब आप इस दवा को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ना इसको खाना खाने के बाद लेना है, ना इसको खाना खाने के पहले लेना है। ठीक है दोस्तों, जब आपको समस्या हो रही है तब आप इस दवा को 2 चम्मच ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप रेगुलर इस दवा को ले रहे हैं तो आप खाना खाने के बाद ही इस दवा को ले, जिससे कि आपको यह दवाई कोई समस्या ना करे। ठीक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों, यदि आपको कोई टैबलेट चल रही है तो इस सिरप को लेने और उस टैबलेट के बीच में 2 घंटे का गैप होना चाहिए, मतलब कि आप जो अन्य टैबलेट ले रहे हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, सही रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि इस सिरप को लेने के बाद व्यक्ति को क्या किस प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसे डायरिया लगे, या फिर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकता है। ये जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, ये हल्के फुल्के हो सकते हैं। यदि आपको ये साइड इफ़ेक्ट जो है सीवियर हो तो इस दवा को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी कि किस प्रकार से आप अपने पेट में जो एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, उसको 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।